शुभमन गिल ने पाकिस्तानी पेसर्स की तारीफ की है। एशिया कप 2023 सुपर फोर स्टेज में भारत पाकिस्तान मैच से पहले गिल ने कहा कि पाकिस्तान जैसे क्वालिटी अटैक के सामने भारत कम खेलता है, इसलिए उन्हें दिक्कत होती है। भारत रविवार 10 सितंबर को पाकिस्तान का सामना करेगा। पाकिस्तानी पेसर शाहीन शाह अफरीदी के सामने भारतीय बल्लेबाजों को होने वाली समस्या पर गिल बोले, जब आप इस लेवल पर खेल रहे होते हैं आप अपने करियर के किसी न किसी पॉइंट पर लेफ्ट आर्म पेसर्स को खेल चुके होते हैं। हम बाकी टीम्स की तुलना में पाकिस्तान के साथ उतना नहीं खेलते, उनके पास क्वालिटी बॉलिंग अटैक है। जब आप ऐसे अटैक का अक्सर सामना नहीं करते, आपको इसकी आदत नहीं होती, इससे अंतर आता है। गिल ने इसी बातचीत के दौरान अपने ओपनिंग पार्टनर रोहित शर्मा पर भी बात की। उन्होंने कहा, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो पावर प्ले में जमीनी शॉट्स खेलना पसंद करता है, रोहित हवा में खेलना पसंद करते हैं, हमारे लिए ये कॉम्बिनेशन सही काम करता है। हम इतनी अलग तरह के प्लेयर्स हैं, इससे बोलर्स के लिए हमें रोक पाना आसान नहीं होता। इसी दौरान गिल से पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम पर भी सवाल हुआ। पूछा गया कि क्या प्लेयर्स बाबर की बैटिंग फॉलो करते हैं। गिल बोले, हाँ जाहिर तौर पर हम उन्हें फॉलो करते हैं। जब एक प्लेयर अच्छा कर रहा होता है, सभी लोग ये जानने के लिए उन्हें देखते हैं कि वो क्यों अच्छा कर रही हैं, उनकी खासियत क्या है। यही चीज बाबर पर भी लागू होती है, वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और हम उनकी तारीफ करते हैं। गिल ने ये भी कहा कि वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के प्लेयर्स अपने रोल्स बैटिंग पोजिशन के बारे में क्लियर हैं। बता दें कि वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी। बैटिंग के लिए टीम के प्लान पर भी गिल ने चर्चा की। उन्होंने कहा, हमारे प्लान सेम ही रहेंगे, मजबूत लीव डालने के बाद डोमिनेट करना। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले गेम में हमारा टॉप ऑर्डर अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन इसके बावजूद हमने 260 के आसपास रन बना डाले और एक वक्त तो उसी पिच पर 310 320 बनाते दिख रहे थे। ये अच्छे संकेत हैं। बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ लीग मैच में भारतीय टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल रहा था। रोहित, विराट, श्रेयस और गिल खुद भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, जिसके बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने मिलकर टीम इंडिया को न सिर्फ उबारा बल्कि 266 के सम्मानजनक टोटल तक भी लेकर गए। पाकिस्तानी पेसर्स ने इस मैच में कमाल की बॉलिंग की थी। शाहीन ने 4 जबकि हारिस और नसीम ने 3-3 विकेट निकाले थे। ये पहली बार था जब श्रीलंका में हुए किसी वनडे मैच में किसी मेहमान टीम ने पेसर्स द्वारा ही सारे विकेट्स ले डाले हों। हालांकि इस बॉलिंग के बाद भी पाकिस्तान वाले मैच नहीं जीत पाए। बारिश के चलते पाकिस्तान को बैटिंग ही नहीं मिली, दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट से संतोष करना पड़ा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने, मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।